गीदम के नवनिर्मित 50 बिस्तर वाले शिशु अस्पताल में विद्युत वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां आग लग गई है। अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि आगजनी की घटना सुबह 7 बजे हुई है। घटना के वक्त अस्पताल में कुल 11 मरीज भर्ती थे। अस्पताल में लगी आग ने जल्द भीषण रूप अख्तियार कर लिया। सेंट्रल हॉल में लगी एसी की वजह से आग अस्पताल परिसर के चारों ओर फैल गई। अचानक लगी आग की वजह से चारों तरफ भगदड़ मच गई। अस्पताल में भर्ती मरीजों को परिजन व स्वास्थ्य कर्मियों ने सुरक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा दिया। घटना की खबर मिलते ही नगर के थाना प्रभारी अजय सिंह दलबल के साथ पहुंचकर नगर के आमजन स्वास्थ्य कर्मी सभी मिलकर अग्नि निरोधक यंत्र से आग पर काबू कर पाने में सफल रहे हैं। घटना के 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की वाहन स्थल पर पहुंची। इस पूरी घटना में किसी भी व्यक्तियों की इताहत होने की कोई घटना नहीं घटी है, सभी सुरक्षित हैं। जवंगा के पूर्व सरपंच बोमना कवासी ने इस पूरी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। घटना के पूरे कारणों की वजह का पता लगाया जाएगा, ऐसा कवासी ने कहा। मौके पर उपस्थित कुछ लोगों ने कहा कि विद्युत वायरिंग निम्न स्तर की थी, जिसकी वजह से आगजनी की घटना हुई है। कमीशन के कारण जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदार द्वारा जो सामग्री लगाई जा रही है उसकी जांच नहीं करते, नतीजा इस प्रकार की घटना घटित होती है। भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर को पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच करवानी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में जो भी संबंधित ठेकेदार अधिकारी जिम्मेदार हो उन पर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शांडिले से बात की तो उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आगजनी से कितना नुकसान हुआ है यह तो बता पाना फिलहाल मुश्किल है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।